वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाचने और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब जरा समझें इसे कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपसे जीडी में, पर्सनल इंटरव्यू में, लेक्चर में, पर कैसे पूछा जाएगा। देखिए, सवाल आपको चार फॉर्मेट में पूछा जाएगा। पहला सवाल यह है कि व्हाई बांग्लादेश इकोनॉमी इज बिकमिंग बेटर देन इंडिया। आपने न्यूज में सुना होगा बांग्लादेश की इकोनॉमी 7% प्लस पे चल रही है, जो कि कभी इंडिया की हुआ करती थी, और इंडिया की 5% पे चल रही है, तो ऐसा क्यों। दूसरा सवाल जो कि परसेंटेज में आपसे पूछा जाता है, व्हाई शेख हसीना रिजाइन इज गुड फॉर इंडिया। क्योंकि वो तीन बार से कंसेक्यूटिवली प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, तो वो हमारे लिए इंडिया के फेवर में एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकती है। अगला सवाल आपके लिए बन सकता है, व्हाई शेख हसीना विजिटेड इंडिया। अभी 4 days विजिट हुई है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की, क्यों हुई थी, क्या रीजन था, क्या MOU साइन हुए, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल और आखिरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिटेल आंसर होगा, वो ये है, व्हाई इज इट हैपन आफ्टर सम टाइम बिटरनेस कम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हमारे और बांग्लादेश के बीच में थोड़ी सी खटास हर बार आ जाती है, ऐसा क्यों, जबकि इंडिया ने ही तो बांग्लादेश को आजादी दिलाई है, तो बांग्लादेश के पास तो हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए कि बांग्लादेश हमेशा हमें फेवर करे, हमारी बात सुने, फॉरेन पॉलिसी उसकी जो हमारी तरफ से डिसाइडेड हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों। अब जरा ये बात समझने के लिए पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा। हिस्ट्री में कब जाना होगा, हमें जाना होगा 1971 में, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और ऐसा हो रहा था जो ईस्ट पाकिस्तान है। जरा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको हमारी प्यारी भारत माँ दिख रही है, अब यहाँ पर आपको दिखेगा पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ है बांग्लादेश। तो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश हुआ करा करते थे, बट जो पाकिस्तान था वो इस वाले पार्ट को कहा करता था ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, जिसको हमने अभी ईस्ट पाकिस्तान बोला, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है, उसमें जो पाकिस्तान था उसने 1947 की आजादी के बाद एक बात इंट्रोड्यूस कर दी कि जो उर्दू होगी वो नेशनल लैंग्वेज होगी, और जबकि जो ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर जो नेटिव लैंग्वेज है वो बंगाली है। तो एकदम से आप किसी पे एक ही लैंग्वेज इम्पोज कर दोगे तो उन्हें दिक्कत आएगी। अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज करता हूँ, जो आपकी जीडी का टॉपिक बन सकता है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट में एक बात उठी, वन नेशन वन लैंग्वेज, कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज कर दो। अभी तक हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी जो हमारी रीजनल भाषा है, जो कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर बोली जाती है, ठीक है। अब मान के देखो, सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं, जितने भी आप हिंदी स्पोकन हो उनसे कह दूं, कल से तमिल एक नेशनल लैंग्वेज होगी, तब आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है वो लूज हो गई हो। अब जरा एक बात को और कोरिलेट करें, आप में से कोई, या मैं इंक्लूडेड, कोई भी हिंदी एकदम शुद्ध नहीं बोलता, उसमें उर्दू भी मिक्स होती है, थोड़ी पंजाबी भी मिक्स होती है, और अगर आप यूपी में वेस्ट साइड से आए, मतलब बिहार की साइड से आए, तो आप में थोड़ी बिहार की भाषा भी थोड़ी आप में थोड़ी जुड़ी हुई होगी, और अगर आप छत्तीसगढ़ राजस्थान से आए तो आपको वहां की लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी टच हो रखी होगी आपकी हिंदी के अंदर। तो हम जो बोलते हैं वो मिक्स हिंदी बोलते हैं, प्योर हिंदी नहीं बोलते, बट फिर भी कल हम पे तमिल अगर इम्पोज कर दी जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो आइडेंटिटी है हमसे छीन ली गई है। तो ऐसे ही कुछ उनके साथ हुआ और इनको थोड़ा बुरा लगना शुरू हुआ। इसके अलावा खाली उर्दू ही एक रीजन नहीं था, उनके साथ एक पार्शियलिटी बहुत होने लगी, जो वुमेन्स थे या बच्चे थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होने लगा, औरतों के साथ रेप केस होने लगे। तो इस चक्कर में वहां पर एक चीज, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उभर के आई, वो नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी एक गोरिल्ला आर्मी थी जो ये चाहती थी कि ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बने, अलग देश बने, और उसका नाम पड़े बांग्लादेश। इंदिरा गांधी को अपॉर्चुनिटी दिखी कि ईस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक हमारे फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, और हमने डिसाइड किया कि हम ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करेंगे एक नया देश बनाने में। खैर, यहां तक की कहानी हो जाती है, और 1971 में हम जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको एक नया देश बना देते हैं बांग्लादेश, और वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है, सवाल क्या बनेगा कि इंडियन नेवी का डे कब आता है, वो आता है 4 दिसंबर को। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि 4 दिसंबर को ये डे क्यों बनाया जाता है, वो होता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 की वॉर, जो हमने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ी थी, उसके वक्त बनाया गया, जब हमारी इंडियन नेवी ने
कराची पोर्ट को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखो, एसएसबी हमेशा ऐसे सवाल पूछता है जिसमें आपको शर्म आ जाए कि यार ये बात भी मुझे नहीं पता। आप ये बता दो कि 1971 में लड़ाई हुई बांग्लादेश की, पर आपसे जब बेसिक सवाल पूछा जाएगा कि इंडियन नेवी डे कब बनाया जाता है, आपके दिमाग में नहीं आएगा। फिर आपसे बेसिक सवाल ये पूछा जाएगा कि क्यों बनाया जाता है, आपको ये भी नहीं पता होगा। तो आपका दिमाग स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाएगा, और वो यही चीज देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस सिचुएशन में आप कैसे काम करते हो। अब जब ये इंडिया बांग्लादेश की वॉर खत्म हुई, तो बांग्लादेश को जब इंडिया ने आजाद कराया, तो आजाद कराया सरेंडर करके पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जब सरेंडर कराया तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पिक्चर बन गई। अब ये इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हो सकता है एसएसबी में जैसे ही आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए घुसे हैं तो ये पिक्चर कहीं दीवार पे हैंग हो रखी हो, क्योंकि अगर जब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे, चाहे वो ओटीए हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आईएमए हो, ये फोटो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये आर्मी के लिए बड़ा ही एक प्राउड मोमेंट था। अब यहां से जरा आगे बढ़े तो इस पिक्चर में खास बात क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। जरा मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। तो इसमें कुछ नाम है वो आपको पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान जनरल थे जिन्होंने सरेंडर किया वो थे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, और इंडिया से जो ये सरेंडर रिसीव कर रहे थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। बट ये गेम प्लान किसका था कि पाकिस्तान को सरेंडर कराना है, वो था मेजर जनरल जे एफ आर जेकॉब, ये ज्यूइश थे। अब एक ज्यूइश बंदे ने, जो कि हमारे जनरल थे, मैं कोई रेसिज्म टाइप नहीं कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं जो ज्यूइश पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत वाइज होते हैं, और इंडिया में जितने भी ज्यूइश हैं वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में बहुत ही ऊंचे पद पर हैं। तो इनका ये वाइज डिसीजन था जिसने यहां पर पाकिस्तान को सरेंडर करवाने पे मजबूर कर दिया। यहां तक बात हमें समझ में आती है। बट जब इंडिया ने आजादी करा दी बांग्लादेश की, तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिली चाहिए, मिली थी। बट बांग्लादेश में कुछ ही सालों बाद ऐसा होने लगा कि हमारे बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट होने लगे, और ये डिस्प्यूट कई बार बढ़ते रहे। मतलब लूडो गेम बन गया था हमारे बीच में, बांग्लादेश के बीच में। कभी बांग्लादेश हमें काट रहा है, कभी इंडिया बांग्लादेश को काट रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा था, हम उस बारे में बात करते हैं। पहला मैंने आपको एक सवाल आपसे पूछा था, आपको याद होगा, कि क्यों बार बार इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं। तो उसके पीछे थे 7 रीजन। पहला था वाटर यूजेज इशू। देखिए, एक डैम है फरक्का बैरेज डैम, जो इंडिया ने बना रखा है, जिसमें एक रिवर है वो बांग्लादेश जाती है। तो उस रिवर पे पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया का जाता है, जिससे बांग्लादेश को प्रॉब्लम थी। दूसरा है लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट। देखिए, हमारी जो, अगर आपसे कोई सवाल पूछे, इस बार शायद सीडीएस में आया भी था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट कभी ना कभी आया था सीडीएस में, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो ये है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री किसके साथ है। ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा यहां पर देखो, ये हमारी प्यारी भारत माँ। अब जरा पहले चाइना बॉर्डर देखते हैं। आपको चाइना बॉर्डर बहुत ही स्मूथ दिखेगा, आपको सिंपल सिंपल लाइन दिख रही है जो ऊपर खाबड़ नहीं है, करेक्ट। बट यहां से उठाकर मैं आपको बांग्लादेश के पास ले जाऊं, तो जरा ये बाउंड्रीज देखो आप। मैं जितना जूम करता जाऊंगा यहां पर, ये बाउंड्री और डिफिकल्ट होती जाएंगी, ये देखिए। जबकि ऐसी लैंड बाउंड्रीज आपको चाइना बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं मिलेंगी, और यही कारण है क्योंकि ये छोटे मोटे टर्न्स बहुत ज्यादा हैं। हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ हो जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है, वो है बांग्लादेश, ना कि चाइना। नॉर्मली जो एक इंसान होगा वो चाइना मानेगा, क्योंकि चाइना यहां से शुरू हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में जाके खत्म हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टेरिस एक्टिविटीज। हमारे दोनों देशों के बीच में टेरिस एक्टिविटीज हो रही थी। कुछ लोग ऐसे थे बांग्लादेश को तोड़ना चाहते थे, तो वहां पर इंडिया ने मदद की, और कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया को तोड़ना चाहते थे, उसमें बांग्लादेश ने मदद की। इसके बाद है एक ट्रांजिट फैसिलिटी। ट्रांजिट फैसिलिटी क्या है, देखिए आपको पता होगा बांग्लादेश पहले इंडिया का हिस्सा था 1947 से पहले। तो जो बांग्लादेश है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो कनेक्ट करने का काम करता था, बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है, और ये वाला इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, इंडिया ने कई बार कहा बांग्लादेश से, बट आज तक नहीं हो पाया। इसका रीजन अभी तक बांग्लादेश ने हमें नहीं दिया। इसके बाद इलीगल इमिग्रेशन, इस पे इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत काम किया। अब अगला जो हम बात करेंगे वो होगा मैरिटाइम डिस्प्यूट। ये भी एक वजह रही है कि हमारी बिटरनेस हमेशा कायम रही। इसके बाद ये अगला है 3 बीघा ब्रिज। 3 बीघा ब्रिज जो है इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया था। इस बात में कुछ स्टेट है, असम
और वेस्ट बंगाल, ये नाराज हो गए थे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये 7 पॉइंट है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम दो टॉपिक को एकदम से पहले ही पकड़ते हैं, वो है 3 बीघा ब्रिज एंड लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट। अब लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट पे अगर चलें तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है, देखिए ये साउथ अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा लिसिथो। लिसिथो क्या है, साउथ अफ्रीका के एकदम बीच में है और यही प्रॉब्लम इंडिया और बांग्लादेश के साथ आ रही थी। जैसे ये जो आपको लाइट येलो दिख रहा है वो बांग्लादेश है, उसके अंदर एक इंडिया का छोटा सा पार्ट है, और ऐसी इंडिया और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी बाउंड्रीज थी। जरा ये देखिए, ये इंडिया एंड बांग्लादेश की जो नियर बाय बाउंड्री है उसके पास का एरिया है, और 2015 से पहले हमारा जो मैप था वो कुछ ऐसा दिखता था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी। ये देखिए हमारे केस में क्या हो रहा था कि ये जो एरिया है ये बांग्लादेश का है, और जो ऊपर का एरिया आपको दिख रहा है ये इंडिया था। तो इंडिया के अंदर बांग्लादेश का एक छोटा सा एरिया आ रहा है, ऐसे जब हिस्से बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनक्लेव। समझ रहे मेरी बात आप, कि एक बड़ा देश है, उस बड़े देश के अंदर जब छोटा सा एक देश और बन जाए उसे कहते हैं एनक्लेव। ये बात आपको याद रखनी है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब जब ये ऐसे छोटे छोटे देश बनते जा रहे थे इंडिया के अंदर, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें ना तो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा हो पाता था, ना हेल्थ फैसिलिटीज, ना पुलिस सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा बांग्लादेश है, पर इसमें ये जो हिस्सा है वो इंडिया का है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे पहुंचे और यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन कैसे बना, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के अंदर है और पूरे बांग्लादेश को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी एक आम आदमी को। अब ये प्रॉब्लम दोनों को हो रही है, बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पर, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का, और ये पूरे इंडिया रीजन में आता है, इंडिया रीजन से पूरी तरह से घेरा हुआ है। तो यहाँ पर भी दिक्कत ये थी कि हमने बांग्लादेश के लोगों को प्रॉब्लम बना रखी थी, तो दोनों देशों की तरफ से जब ये प्रॉब्लम बन रही थी तो हमने इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। अब इस एनक्लेव को आप न्यूज़पेपर में एक नाम से देखेंगे, उसका नाम है चितमहल, ठीक है। अब ये चित महल जो है, इसका जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने की कोशिश 74 में पहले की गई। उसके बाद जब ये रिजोल्व नहीं हुआ 74 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने 7 मई 2015 को एक रेजोल्यूशन लेकर आया, जिसको कहा गया 100 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये कहा कि 51 बांग्लादेशी एनक्लेव है वो हम रख लेंगे, और जो 111 इंडियन एनक्लेव है वो हम बांग्लादेश को दे देंगे। अब क्या मतलब था इसका, देखिए इसका मतलब सिंपल सिंपल आम शब्दों में ये है कि जैसे ये छोटा छोटा हिस्सा जो इंडिया का है ये वो बांग्लादेश को दे देंगे, ठीक है, और ये टोटल नंबर में 111, और जो ये छोटे छोटे हिस्से हैं ये वाले जो इंडिया के हिस्से में आते हैं उसको हम रख लेंगे, तो ये हो गए टोटल 51, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई और ये अच्छा हो गया। अब जो लैंड बाउंड्रीज बनेंगी वो यूनिफॉर्म बनेंगी, तो अब जो मैप दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, वो आपको यहाँ पर कोई छोटे छोटे हिस्से नहीं दिखाई देंगे, क्लियर। बट यहाँ पर एक एरिया है जिसका नाम है धाग्राम। धाग्राम क्या है, धाग्राम इसका दो पूरा नाम क्या है, धाग्राम अंगरपोटा, ठीक है। ये दो एरिया है, जैसे हम कहते हैं एक यूपी है तो यूपी में हम कहेंगे वेस्ट यूपी एंड ईस्ट यूपी, तो ऐसे यहां पर है धाग्राम अंगरपोटा, ये पूरा एरिया है। अब इस एरिया में एक ब्रिज बनता है, इसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर ट्रांसफर। अब ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है, या मैं कहूं 3 बीघा ब्रिज है, इसको इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया। क्यों दे दिया, देखिए अगर यहां पर मैं आपको बड़े मैप में दिखाऊं, अब देखिए इस बड़े वाले मैप में आपको बांग्लादेश क्लियरली दिख रहा होगा। अब मैं आपको वो एरिया दिखाता हूं जहां पर ये एरिया है, ये है वो एरिया धाग्राम। अब यहां पर धाग्राम में क्या हो रहा है कि ये अभी भी एनक्लेव हटाया नहीं गया 2015 के बाद, कि इसको हम हटा देते हैं और इसको पूरी तरह से इंडिया में ले लेते हैं। इंडिया ने कहा ठीक है ये बांग्लादेश का हिस्सा है, इंडिया में अभी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या करा, ये एक 3 बीघा ब्रिज बना दिया गया, यहां पर आपको नाम लिखा हुआ दिखेगा, देखिए यहां पर आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा 3 बीघा कॉरिडोर। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है और फिर इंडिया में चला जा रहा है। तो पहले ये इंडिया का ही पार्ट था, पर इंडिया ने क्या करा कि बांग्लादेश को लीज पे दे दिया, मतलब रेंट पे दे दिया कि आप इसे अपने पास रखो, इसकी मेंटेनेंस करने का काम भी आपका ही है और आपको उसका ध्यान रखना है, और ये आपको आपका ये जो हिस्सा दहाग्राम है इस पे आपको मदद करेगा कनेक्टिविटी देने में, ठीक है। यहां तक बात हो गई, बट प्रॉब्लम क्या है,
अगर जरा आप इस एरिया को देखें, ये वाला एरिया कौन से एरिया में आ रहा है, इंडिया के। अब ये जो एरिया था इंडिया में आ रहा था, और इस बात से जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो खुश नहीं थी कि हमारा जो एक ब्रिज है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो आप कैसे किसी और गवर्नमेंट को, किसी और देश की सरकार को आप दे सकते हैं। और ये जब आपने इतने सारे 51 एनक्लेव की बात की, तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी आप इंडिया के अंदर लेकर आओ, तो इस बात से डिस्प्यूट बना रहा और काफी टाइम तक दिक्कत बनी रही। पर बाद में यही जो रीजन है दहाग्राम, अंगरपोटा दहाग्राम रीजन जो है, इसको क्या कहा कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट मान गए कि हाँ हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, तो ये वाला भी मैटर रिजॉल्व हो गया। इसके बाद आता है फरक्का बैरेज का। फरक्का बैरेज क्या है, जरा ये वीडियो देखिए। देखिए फरक्का ब्रिज का डैम है जहां पर आपको बहुत ज्यादा पानी दिख रहा होगा। अब यहां से अगर हम आगे चले, अब जरा इस फरक्का ब्रिज को ढूंढने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आपको इतनी बड़ी लाइन दिखाई दे रही होगी। अब इस डैम के ऊपर रोड बनी है जो कि एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी दे रही है इंडिया के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। कैसे, इस बारे में बात करते हैं। ये जो बैरेज होता है उसका काम होता है पानी को रोकना, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो डैम होता है। बैरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपेरेटिवली डैम के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है। अब जरा यहाँ पर आगे देखें तो इसने काम तो करा कि जो वाटर सप्लाई है उसको कंट्रोल कर लिया, जो कि हुगली रिवर की है, जो कि गंगा की एक फॉर्म से आगे बढ़ के आ रही है। तो बांग्लादेश दो बातें पूछता है कि आपने इस पानी को रोक तो लिया, पर हमारे पास बहुत दिक्कत हो रही है। पहली दिक्कत ये कि जब अब मार्च अप्रैल मई होता है, जब हमारे पास सूखा होता है, तो आपके पास ये पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, और हमारा जो लैंड एरिया है बांग्लादेश का वो सूखा पड़ा रहता है। और जब जून जुलाई अगस्त सितंबर आता है तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और आपके इस डैम में बहुत सारा पानी भर जाता है, तो आप क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में फ्लड आ जाता है मानसून टाइम में। अभी तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी बांग्लादेश की बात, तो इंडिया को सुननी चाहिए थी ना, तो इंडिया ने सुनी और 1996 में ट्रीटी साइन कर ली, और फिर ये प्रॉब्लम उसके बाद रिजॉल्व हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़े तो फिर बड़ी टेस्ट एक्टिविटी। टेस्ट एक्टिविटीज में दो नाम बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, वो है बांगा सेना और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। बांगा सेना क्या कहती है, जैसे कश्मीर में सेपरेटिस्ट कहते हैं हमको चाहिए अपना देश, हमको चाहिए आजादी, तो वैसे ही बांगा सेना कहती है कि हमको अपना देश चाहिए। तो ये कहते हैं कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाया जाए बांग्लादेश के अंदर। तो इस बात को खत्म करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए इंडिया साथ देता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को दबा देता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश की कोऑर्डिनेशन हो जाती है। फिर यहाँ पर है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये एक्चुअली पहले अफगानिस्तान में था ये ग्रुप, वो रशिया के खिलाफ लड़ा करता था जब यूएसएसआर फॉर्म में था वो, और अफगानिस्तान में इन्वेड करता था। जब उसने यूएसएसआर को बैक ऑफ कर दिया तो इसने इंडिया में पैर जमाने शुरू करे और इंडिया में इस्लाम को एज अ रिलीजन एंड नेशन दोनों फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना बहुत तेज से शुरू कर रहा था, इन अ वायलेंस फॉर्म, टेरिस अटैक करके। तो यहाँ पर उन्होंने जो शरण ले रखी थी वो बांग्लादेश में ले रखी थी, और यहाँ पर बांग्लादेश ने हमारी मदद की और हमने इसको यहाँ से जड़ से उखाड़ दिया। तो टेरिस एक्टिविटीज में ये काम हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा अनरिजॉल्व इशू ये नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी इशू। देखिए बांग्लादेश पहले इंडिया का पार्ट था 1947 से पहले, यहां से हम यहां तक कनेक्ट कर पा रहे थे, बट जैसे ही ये आजाद हो जाता है, जो अंग्रेजों ने रेल बनाई थी या रोडें बनाई थी, वो सारी की सारी चीजें अब बंद हो जाती है यूज करने के लिए। अब होता क्या है, अगर मान लो आपको मुंबई से अब नॉर्थ ईस्ट में कम काथिया जाना हो तो आप जा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहां जाना बड़ा मुश्किल है। पहले आप यहां से जाओगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आप फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको पास करोगे, देन नॉर्थ ईस्ट में पहुंचोगे। अब यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक पहुंच जाएगा, उसके बावजूद भी आप नॉर्थ ईस्ट में हर जगह नहीं जा सकते। उसके बाद आपको ट्रेन चेंज करनी होगी और हर जगह ट्रेन की सुविधा वहां पर है नहीं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म है नहीं, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। पर अगर ये कनेक्टिविटी मिल जाए तो पूरा का पूरा इंडिया यहां से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं हमें एक नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ है कि जो है नैरो पैसेज बन गया है, इसको कभी भी चाइना के लिए काटना बड़ा ही आसान काम है और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश हमारे साथ कॉपरेशन करे तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा बहुत ही स्ट्रांग बन सकता है। बांग्लादेश की तरफ से हमें हामी नहीं मिली है कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस कनेक्टिविटी की वजह से पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक अंडर डेवलप रीजन में कन्वर्ट हो गया है। इंडिया ने क्या किया फिर, अब जब एक दोस्त नहीं मानना तो दूसरे दोस्त से बात करेंगे, तो हमने म्यांमार से बात की हमने,
हमने कहा कि यार एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कलादान मल्टीलेटर प्रोजेक्ट। वो क्या करेगा, कोलकाता से हम यहाँ से एक सी रूट बनाएंगे, और इस सी रूट से हम एक जगह है पलेटेवा, और वहां से फिर हम रोड बनाएंगे और रोड से हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बट सोच के देखिए ना कहीं जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो चीप होता है एज कम्पेयर टू वाटर ट्रांसपोर्ट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेलवे लाइन पहले से बनी हुई है उनका हम इस्तेमाल कर पाते हैं, यहाँ पर हमको सब कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। ये बात अब तक रिजॉल्व नहीं हुई। अब आते हैं इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट पे। वहां पर बांग्लादेश का सिंपल सिंपल ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बांग्लादेशी आपके पास नहीं आया। अब इस चीज को हटाने के लिए कि भाई बांग्लादेशी हमें नहीं चाहिए इंडिया से, तो इंडिया ने एनआरसी इशू करा है असम में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को हटाने की तैयारी की है। एनआरसी अपना आप में अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी जरा यहां पर देखो, बांग्लादेश इंडिया मैरिटाइम डिस्प्यूट। अब जरा बांग्लादेश इंडिया मैरिटाइम डिस्प्यूट क्या है, जरा इस मैप को देखो। अब जरा इस मैप को देखो, देखिए यूएन ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी देश अपना सी का एरिया यूज कर सकता है, तो इंडिया का जो है वो एरिया यहां तक आ रहा है। बट बांग्लादेश का कहना है कि नहीं, ये जो येलो लाइन है ये एक्सीड कर रही है, हमारा एरिया के अंदर आता है 200 नॉटिकल माइल्स। अब कौन सही है, ये बात पे बड़ी दिक्कत थी। यहां से एक सवाल और उठ के आएगा कि 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है किलोमीटर में, होता है 1.82 किलोमीटर, ठीक है। असेसर आपसे पूछ सकता है, याद रखिए असेसर हमेशा ऐसे सवाल पूछता है जिससे आपको शर्म आ जाए कि आपको ये बात पता ही नहीं है। आप नॉटिकल माइल के बारे में बोल रहे पर आपको ये नहीं पता नॉटिकल माइल किलोमीटर में कितनी होती है, तो इस बात को याद रख लो दिमाग में अपने, ठीक है। तो अब यहां पर एक दिक्कत आ रही थी। अब दिक्कत क्या थी, यहां पर एक टापू था जिसका नाम है साउथ तेलीपाती, ठीक है। अभी जो साउथ तेलीपाती था, इसकी वजह से इंडिया क्या कह रहा था कि यहां से 200 नॉटिकल माइल्स यहां बैठता है, और बांग्लादेश ये कह रहा था कि ये टापू एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी डूब गया है। तो डूब गया है तो यहां पर आपका नॉटिकल माइल्स एरिया खत्म हो चुका है। अब हम यहां तक आते हैं, इस बात को बांग्लादेश उठाकर यूएन के कोर्ट में ले गया और वहां बांग्लादेश जीत जाता है, और इंडिया बिना डिस्प्यूट के उस बात को मान लेता है कि ये 200 नॉटिकल माइल्स जो एक डिस्प्यूटेड एरिया था वो अब बांग्लादेश का है। रीजन क्या है कि अगर आप अपने नेबर से ही लड़ते रहोगे तो मदद के टाइम में किसको याद करोगे, एक बात। दूसरी बात, इंडिया और बांग्लादेश कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं, जैसे सार्क, साउथ एशिया रीजनल कॉपरेशन, बिम्सटेक एंड आईओआरए एंड कॉमनवेल्थ में भी हैं। तो अगर दो नेबर्स आपस में लड़ते रहेंगे तो दुनिया में भी शोर पहुंचेगा कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है, खटाश है। तो यहां पर इसको खत्म करने के लिए इंडिया ने कह दिया ठीक है आप ये एरिया रख लो। यहां तक की हो गई कहानी। अब इतना सब आप बोलते जा रहे होगे बांग्लादेश के बारे में कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर वैसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे बीच में ये है, तो सिंपल एक और बेवकूफाना सवाल पूछ लेगा जिससे आपको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो बाय पर्सनल इंटरव्यू। वो ये होगा कि आप बता रहे हो बांग्लादेश के बारे में, इंडिया के बारे में, बांग्लादेशी कैपिटल है क्या? आपको शायद ना पता हो, तो पता होनी चाहिए, वो है ढाका। अच्छा, आपने शेख हसीना का नाम भी लिया होगा, कभी ना कभी बीच में बोलते बोलते आ जाएगा कि शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर है, तो पूछ लेगा कि वो कौन सी पार्टी से है। आपको नहीं पता होगा, फिर से बेसिक सवाल, फिर से शर्मिंदगी मतलब निहायती शर्म आ जाए वैसा सवाल हो गया। तो उनकी पार्टी का नाम है अमावी ली, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी को समझने के लिए बांग्लादेश की, उसके लिए हमें तीन देशों को, दो और देश को मतलब समझना पड़ेगा, वो होंगे इंडिया और पाकिस्तान। अब जरा मैं आपको बताता हूँ इंडिया की इकोनॉमी क्या है। इंडिया की इकोनॉमी स्टैंड करिए 5% पे। वो किसने बताया, वो हमें इंडिया की जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ही बताया कि इंडिया की इकोनॉमी 5% पे है इन फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर। देखिए फाइनेंशियल क्वार्टर तीन होते हैं और तीनों में चार चार महीने आते हैं, ठीक है। तो अप्रैल से लेके जून तक एक क्वार्टर बनता है और उसमें जो हमारी जीडीपी ग्रोथ आई है वो है 5%, ठीक है। पाकिस्तान की आई है 5.20, ये लास्ट है, मतलब जो लास्ट ये 2018 था वहां तक की मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो रिपोर्ट से ही बता जाती है कि 2% पे भी गिर गई है, बहुत बुरी हालत है। और बांग्लादेश की जो भी पता लगी इकोनॉमिक ग्रोथ वो है 7.9%, जो कि बहुत अच्छी है, जो कि ग्रोथ हमारी कभी हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश हमारा बाप बना बैठा है, जबकि इंडिया ने उसे आजादी दिलाई थी, पाकिस्तान का वो पहला एक मुल्क था, मतलब एक हिस्सा था, एक स्टेट था, और वो अब पाकिस्तान से भी कई गुना ऊपर बढ़ गया है। तो अब चलते हैं इसमें थोड़े डीप में। अब देखिए
यहाँ पर जरा हम आगे चलें तो ये न्यूज सबसे ज्यादा तब फैली जब इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी बांग्लादेश एंड नेपाल अहेड ऑफ इंडिया एज अ ग्रोथ इन साउथ एशिया स्लो डाउन। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि साउथ एशिया कंप्लीटली स्लो डाउन पे है पर दो देश बांग्लादेश और नेपाल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। अब यहाँ पर यह बताया गया था कि अभी जो जीडीपी ग्रोथ है वो जबकि 7.9% है 2018 वो 2019 के एंड में वो 8.1% हो जाएगी। ये तो मामला गड़बड़ है भाई। पहले तो हम लोग इंडिया की सुन रहे थे ना कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी 8.2 पे जा रही है और हमने फ्रांस को सरपास कर दिया है, तो अब ये एकदम से क्या हो गया? अब जरा इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कब से कब तक बढ़ी है। हम जरा पहले 8 साल का लेते हैं। 2009 में जो बांग्लादेश की इकोनॉमी थी वो 102.4 बिलियन डॉलर थी और वो 2017 तक 250 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है, मतलब 150% की ग्रोथ रेट वहां पर हुई है। तो ये बहुत ही मैसिव रिपोर्ट है। अच्छा इतनी बात चल रही होगी तो परसेंट रिव्यू वाला आपसे पूछ लेगा ये जीडीपी जीडीपी इतना कर रहे हो, ये नॉमिनल जीडीपी होती क्या है? नॉमिनल जीडीपी होता क्या है? देखिए नॉमिनल जीडीपी होता है कि टोटल इंटरनल प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ने 10 पेन बनाए हमारे देश ने, ठीक है, तो 10 पेन हमने 10 रुपए में बेचे हैं तो वो हो गया 100 रुपए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी, हमारा इंटरनल प्रोडक्शन कितना हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। इसका निकालने का एक फॉर्मूला भी है C+I+G+X। अब यहां पर इसका तरीका क्या है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मतलब हम लोगों ने कितना खर्च किया, दूसरा इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट कितना आया, और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का खर्चा कितना रहा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहां पर रख दो तो जीडीपी हमें मिल जाएगी। ये इसका फॉर्मूला, ये बेसिकली जो कॉमर्स वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए। यहां तक की बात है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंटरनल प्रोडक्शन हम हमारा कितना है मार्केट प्राइस पर, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, कि 10 पेन है 100 10 रुपए में बेच रहे हैं एक पेन तो 100 रुपए का टोटल प्रोडक्शन हो गया हमारा, ये बात आपको याद रखनी है। जीडीपी में 3 सेक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इनको हम मिलाकर काउंट करते हैं कि जीडीपी हमारी कैसी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश एक राइजिंग इकोनॉमी है, पहले उसको कभी बास्केट केस कहा जाता था, क्यों? क्योंकि जैसे ये बांग्लादेश है इसके इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, और लास्ट में यहाँ पर म्यांमार है, तो ये तो पूरी तरह से घिरा हुआ है और बस यहाँ पर एक ओशन का पोर्शन है और ये भी ओशन का पोर्शन इंडिया ने घेर रखा है और इधर से म्यांमार ने घेर रखा है, तो ये तो बास्केट केस हो गया ना ये तो खाली। जबकि आज की तारीख में दुनिया उसे एशियन टाइगर के नाम से जान रही है, क्यों ऐसा क्या हो गया? देखिए सबसे पहला तो रीजन यही है कि उसकी इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ रही है। कहां वो लोअर इनकम की देश हुआ करता था, मतलब गरीब देश हुआ करता था जहां पर लोग अपनी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं हुआ करते, आज वो एक मिडिल इनकम ग्रुप बन गया है, मिडिल इनकम कंट्री बन गया है जिससे वो अपनी सुविधाओं को भी ले पा रहा है। पर ये हुआ कैसे? देखिए इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है गारमेंट मैन्युफैक्चर। जितनी भी आज आप जीन्स पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो, ट्राउजर्स पहन रहे हो, स्कर्ट पहन रहे हो, वो सब आज की तारीख में या तो चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आ रही हैं या बांग्लादेश से। ऐसा क्यों? बांग्लादेश ने ये मार्केट ढूंढा कि ये मार्केट बड़ा अच्छा है और यहाँ पर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या काम किया कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अपने टैक्सेस को लो कर दिया, लेबर लॉ को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया। जैसे इंडिया में जो लेबर लॉ है वो कहता है कि 9 घंटे काम करना है, बांग्लादेश में कहता है 12 घंटे भी काम कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है आप 12 घंटे भी काम कर सकते हो। तो ये जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर अकेले 15% जीडीपी उठा पा रहा है, तो बहुत बड़ी जीडीपी है। इंडिया का एक ना बहुत ही पावरफुल सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल, मतलब मेडिसिन बनाना, उस पर भी बांग्लादेश की नजर है और वो कह रहा है कि 2023 तक हम 5 बिलियन की इसे इकोनॉमी बना देंगे हमारे देश के अंदर और कहीं ना कहीं हमारी ये जीडीपी को बहुत तेजी से ग्रो कर देगा। और इसमें वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये 10% की ग्रोथ रेट से बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि हम बूस्ट करेंगे डिजिटल बांग्लादेश जो कि हमारे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को आगे बढ़ाएगा, और ये भी कह रहा है कि हम जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको लोन देने के लिए 2 बैंक खोलेंगे, एक है ब्रैक और एक है ग्रामीण बैंक। अब यहाँ पर उसने एक बात और कही कि हम वुमेन जो हैं उनको भी एक फायदा पहुंचाएंगे, उनके लिए टैक्सेस कम होंगे जिससे वुमेन जो होंगी वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अब ये सब तो सुना सुना सा लग रहा है,
ठीक है भाई, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात को अगर हम छोड़ दें और लेबर लॉ को छोड़ दें, तो बाकी सब तो इंडिया कर रहा है। फार्मास्यूटिकल में हम एक लीडर हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं डिजिटल बांग्लादेश, तो हमने डिजिटल इंडिया तो पहले से चला रखा है। ये कह रहे हैं हम छोटे बिजनेस को लोन देंगे, तो हमने मुद्रा योजना चला रखी है। तो ये आगे बढ़ क्यों रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन आ गया है टैक्सेस। मतलब हमने जीएसटी लेकर आए थे, जिसका काम था कि टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना और उसको डिजिटलाइज करना। हमने डिजिटलाइज तो कर दिया, पर सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। जीएसटी जो है बहुत ही वेरी करता है हर सेक्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड खरीदें, यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लो आप सब्जियां खरीद रहे हैं तो 0% जीएसटी लग रहा है, पर वहीं पर आप गाड़ियां खरीद रहे हैं तो अराउंड 30% का टैक्स लग रहा है। बड़ा मुश्किल है। अब जरा यहाँ पर आते हैं, अब जरा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, उस पर 28% टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा टैक्स है। और फॉर एग्जाम्पल, आप एक नए नए कंपनी शुरू करिए और आप ऑटोमोबाइल कंपनी के वेंडर हो। वेंडर मतलब कि आप उसके पार्ट्स बनाते हो, बड़ी कंपनी जैसे मारुति है, तो मारुति को इंजन चाहिए, तो इंजन के पार्ट्स कौन बना रहा है, वो आप बना रहे हो, ठीक है। अब उसको पार्ट्स बनाने, तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसने आयरन खरीदा। अब आयरन जो उसको पड़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, वो पड़ रहा है 28% की जीएसटी का। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 लाख रुपए का आयरन खरीदा, रॉ आयरन, ठीक है, तो उसको 30% तो उस पर टैक्स देना पड़ रहा है ना। सोच के देखो, 30% उसको टैक्स देना पड़ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर टैक्स को मैं 10% कर दूं, तो ये जो उसको जो टैक्स देना पड़ रहा है, उसे 10,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो पैसे कितने बचेंगे? 20,000। 30,000 में से 10,000 माइनस कर दूं, तो 20,000 रुपए बच गए हमारे पास। यहां पर जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो, बहुत ही फोकस वाली बात है ये, ठीक है। अब अगर मान लो 20,000 रुपए बच गए, तो उस 20,000 से वो और आयरन खरीद सकता था, जिससे उसकी प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाती। पर क्योंकि उसको 30,000 रुपए टैक्स ही देना पड़ रहा है, तो वो और प्रोडक्शन की सोच ही नहीं पा रहा। ये तो मतलब बात तो लॉजिक में आ रही है यार। सिंपल सिंपल आप ये कह रहे हो कि अगर टैक्स कम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स से पैसा बचेगा वो वापस प्रोडक्शन में लग जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, पर इंडिया ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया का एक सिंपल रूल है, जो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ना, उसका टैक्सेस बढ़ा दो। अच्छा, तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति मैं कहूं 2 लाख की आ रही है, ठीक है। अगर मैं इस पर टैक्स बढ़ा दूं 30%, ठीक है, तो 30% की पे इसका मतलब ये हो गया, ये करीबन करीबन 2,60,000 तक के आसपास पहुंच जाएगा। गाड़ी महंगी हो गई। अब गाड़ी महंगी हो गई, जो पहले 2 लाख की पड़ रही थी, 2,60,000 की पड़ रही है, तो जो एक आम आदमी होगा, एक मिडिल क्लास बंदा होगा, उसके लिए तो 60,000 बहुत भारी चीज हो गई ना खरीदना। क्योंकि लास्ट में उस जीएसटी का पैसा जो ये जो वेंडर है निकाल के ले रहा है, वो हमारी जेब से जाएगा, तो वो गाड़ी खरीदेगा ही नहीं। इसलिए अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन हो गया, क्योंकि कोई खरीदने को ही तैयार नहीं हो रहा। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, जो पहले सस्ती हुआ करती थी, वो एकदम से महंगी हो गई है। तो एक आम आदमी का बजट हिल गया। ये था एक कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्लो डाउन होना और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसका कम होना। दूसरा कारण क्या है? देखिए, अभी पार्ले जी ने एकदम से कहा कि हमारी भी जो इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन हो गई। क्यों? पहले वो 10 रुपए में 15 बिस्किट दिया करते थे, अब वही 10 रुपए का जो बिस्किट है वो 12 रुपए का हो गया है। क्योंकि हमें जीएसटी देना है, तो उसका पैसे तो हमें प्राइस में डालना पड़ेगा। तो जो एक गरीब आदमी था, जो लेबर क्लास था, वो हमारे बिस्किट खरीदा करता था, या जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग खरीदा करते थे, क्योंकि ये चीप बिस्किट है और इससे इंसान का पेट भी भर जाता है। अब वो नहीं खरीदने, क्योंकि अब उनका बजट हिल रहा है 12 रुपए। एक सोचिए, आम आदमी जो एक दिहाड़ी पे काम करता हो, ठीक है, उसकी दिहाड़ी दिन की 200 रुपये या 300 रुपये हो, और उस पे आप टैक्स भी मांग रहे हो कि मुझे ना टैक्स भी दो, तो वो टैक्स तो दे नहीं पाएगा ना। तो भूखा रहना ज्यादा पसंद करेगा, या दिन में एक बार ही खाना खाएगा। ये तो दिक्कत हो रही थी। अब एक बात और दिखाता हूँ आपको, जो आपको आश्चर्य करेगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है 0% टैक्सेस ऑन फूड ग्रेन्स, मतलब फार्मर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकी इनकम डबल करना चाह रहे हैं। अब जो फार्मर को 1,000 किलो पर जो रेट मिलते हैं, वो 0.20 पैसा से लेके 1 रुपए तक मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत कम है। अगर मान लो मैं 0.20 को इससे मिला हूं, तो मतलब 200 रुपये ही वो कमा रहा है 1,000 किलो की प्याज को या टमाटर को बेचने में। ये तो बड़ी दिक्कत है। जो पैसे का घोलमोल है वो मिडलमैन करता है, मतलब जो फार्मर से फसल लेता है ना, वो उसका प्राइस बढ़ाता है 30 रुपए से लेके 100 रुपए तक, ठीक है। मान लो किसी चीज की फसल ज्यादा हो जाए, ओनियन की बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या करेगा, ओनियन को आगे ज्यादा बेचेगा ही नहीं, वो रोक लेगा उसका स्टॉक, और उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज तक कर देगा, जिससे ओनियन का प्राइस महंगा हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत थी। मतलब जो ये टैक्स का सबसे बड़ा, कि कोई टैक्स नहीं है फार्मिंग पे या मतलब फूड ग्रेन्स पे, तो ये सबसे ज्यादा कमाई हो रही थी मिडलमैन की।
तो इंडिया की इकोनॉमी तो हिलनी थी क्योंकि हमने जो टैक्सेस थे उनका ढंग से प्लेसमेंट किया ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। अब यहां से जरा हम आगे चलते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि टैक्सेस फ्लैट कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल सोचिए आप बिजनेसमैन हैं और आपके लिए हमेशा टैक्सेस ऊपर नीचे होते जा रहे हो, तो आपके लिए बिजनेस करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप अपने बिजनेस पे फोकस करने से ज्यादा, मतलब अपने बिजनेस में इनोवेशन से ज्यादा फोकस करने पे इस बात पे ध्यान दे रहे हो कि आज की तारीख में टैक्स कितना है। सोचो आप जर्मन कंपनी हो, कोई इंडिया में प्लांट लगाना चाह रहे हो, तो आप लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि हर 10 महीने में टैक्सेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कब लगाऊं कब नहीं लगाऊं, कभी टैक्सेस लो हो रहे हैं कभी टैक्सेस हाई हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब इस बात को आप जरा समझने के लिए ऐसे सोचिए कि एक आम आदमी जिसको, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 21 साल के लड़के हैं लड़की हैं, तो आपको पता होगा बैंक अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है और शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा मिलता है। अब ये बात आपके लिए समझ में आ गई है दिमाग में, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो मैं शेयर मार्केट से कमाता हूँ, बैंक सेविंग से कम मिलेगा, ठीक है? तो आप अपना निवेश करना चाहेंगे क्योंकि इसमें झोल नहीं है, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि बैंक अकाउंट सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कि बैंक अकाउंट सेविंग कह रहा है मुझे 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, और कभी कह रहा है शेयर मार्केट की मैं तुम्हें 2 ही% दे रहा हूँ, ये वेरिएशन नहीं हो रहा। तो आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, आपको दिमाग कम खर्च करना पड़ेगा, पर यहाँ पर बिजनेसमैन को बहुत दिमाग खर्च करना पड़ रहा है सिर्फ टैक्स देने में, तो वो इंडिया से इन्वेस्ट करने में भागेगा। अगर आप आज की तारीख में देखें हमारी जो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 60 रैंक है, अराउंड 63 रैंक है, ठीक है? बट स्टिल हमारे जो टैक्सेस हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस, कोई दूसरा देश हमें आकर निवेश ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें उसको जो सीए हैं चार्टेड अकाउंटेंट हैं लॉयर्स हैं इनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और उसमें उनका पैसा ज्यादा बर्बाद हो रहा है। ये हो गई बात। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की आखिरी तरफ, कि शेख हसीना जो है वो इंडिया अराइव करी 4 डे विजिट पे, क्यों, क्या रीजन था? अच्छा खासा बांग्लादेश चल रहा है, इंडिया आने की क्या जरूरत है? देखिए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। लॉट ऑफ स्कोप फॉर फर्दर डीपनिंग आवर रिलेशंस इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ओनली थोड़ा सा ऐसा बोल दूं कि प्याज लेके थोड़ा दिक्कत हो गया हमारे लिए। मुझे मालूम नहीं है क्यों आपने सारी प्याज बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, हमारा कुक को मैं बोल दिया कि अब से हम प्याज देके खाना मत पकाओ, प्याज बंद कर दो। मुझे मालूम नहीं आप ये चाहते हैं कि वो प्याज बंद रहे, हम प्याज छोड़ के चले। थोड़ा सा नोटिस देने से अच्छा होते थे कि हम भी थोड़ा दूसरे जगह से ला सकते थे। अचानक आपने बंद कर दिया और हमारे लिए ये मुश्किल बन गया। तो आगे से अगर किसी भी तरह आपको ऐसा कुछ करना है तो हमें थोड़ा सा पहले बता देना है। धन्यवाद। आप जो शेख हसीना की आपने स्पीच सुनी वो तो उनका फनी पार्ट था, बट इस फनी पार्ट के अलावा उन्होंने 10 से 12 एमओयू साइन किए। पहला था 30 वाटर शेयरिंग, दूसरा था रोहिंग्या रिपार्टेशन, रिपार्टेशन मतलब रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजो, क्योंकि 30 से 50 हजार तो वो बांग्लादेश में भी आए हैं और हमारे देश में भी अच्छे खासे नंबर पे आए हैं, तो उनको वापस भेजो। और आखिरी ये कनेक्टिविटी बढ़ाना बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थ्रू रिवर एंड सी रूट। अब ये 30 वाटर शेयरिंग क्या है, देखिए 30 वाटर शेयरिंग क्या है मैं आपको जरा मैप पे दिखाता हूँ। अब देखिए इंडिया बांग्लादेश है, इसमें अगर हम नॉर्थ में जाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखेगा टीस्टा रिवर। टीस्टा रिवर बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी रिवर है और इस रिवर पे हमने क्या करा है, एक डैम बना दिया है यहाँ पर, ठीक है? जिस डैम की वजह से क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में पानी की कमी पहुंच रही है। इन बांग्लादेश चाह रहा है कि वाटर की 50-50 शेयरिंग हो, क्योंकि जो उनका रीजन है रामपुर रीजन वो राइस ग्रो करता है और उसके लिए बहुत पानी चाहिए और वहां पर ड्राई बहुत ज्यादा पड़ता है, तो अगर आप 50% शेयरिंग नहीं दे पाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो वही कहानी। अब जरा इस बात के कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का? इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप का कंक्लूजन ये होगा कि कोई कंट्री बेटर तब होता है जब उसके लीडर का विजडम ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा अच्छा होता है, ना कि उसकी मिलिट्री पावर पे, ना ही एरिया ऑफ लैंड कितना कैप्चर कर रखा है किसी देश ने। तो ये होता है हमारी वीडियो का एंड। मेरे कोई मैसेज और हैशटैग #वास्टिंग करके बताइए, और आपने SSB में कोई क्वेश्चन ऐसा फेस किया हो जिसका जवाब आपको ना बताओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेता हूं मैं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।